हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर EL 207 के सिक्स चैप्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग्स के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। यूनिट सिक्स के फर्स्ट वीडियो में हम BTR सिलेबस के तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, 6.1 इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स, 6.2 फेच साइकिल, 6.3 मेमोरी रीड एंड राइट साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल, निर्देश चक्र, किसी भी निर्देश को निष्पादित करने में लगने वाला समय निर्देश चक्र कहलाता है। जैसे यदि हमने माइक्रोप्रोसेसर को एक निर्देश दिया है ऐड बी, तो वह रजिस्टर बी को रजिस्टर ए से ऐड करके रिजल्ट को रजिस्टर ए में सेव करा देगा। इन सब कामों में माइक्रोप्रोसेसर को जितना समय लगता है वह निर्देश चक्र कहलाता है। मशीन साइकिल, मशीन चक्र, मेमोरी या इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेटा का आदान प्रदान करने में लगने वाला समय मशीन चक्र कहलाता है। टी स्टेट, एक क्लॉक साइकिल का टाइम पीरियड टी स्टेट कहलाता है। जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं, एक क्लॉक साइकिल का टाइम पीरियड, साइकिल यानी एक पॉजिटिव पल्स और एक नेगेटिव पल्स मिलकर एक साइकिल बनाती है, तो यह समय एक टी स्टेट कहलाता है। टी स्टेट माइक्रोप्रोसेसर के कार्यों में लगने वाला समय नापने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। एक टी स्टेट क्लॉक की फॉलिंग एज यानी सिग्नल की वह लाइन जहां पर सिग्नल हाई लॉजिक वन से लो लॉजिक जीरो की तरफ जाता है, वहां से शुरू होता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, जब सिग्नल लो से हाई यानी जीरो से वन की तरफ जा रहा है तो वह राइजिंग या पॉजिटिव एज कहलाती है, और जब सिग्नल हाई यानी वन से लो यानी जीरो की तरफ जाती है तो वह नेगेटिव या फॉलिंग एज कहलाती है। तो इस तरह एक नेगेटिव साइकिल और एक पॉजिटिव साइकिल से मिलकर एक टी स्टेट बनती है। किसी भी निर्देश या मशीन चक्र के निष्पादन में लगने वाला समय टी स्टेट्स के रूप में ही नापा जाता है। एक निर्देश चक्र में एक या एक से अधिक मशीन चक्र और एक मशीन चक्र में बहुत सारे टी स्टेट्स होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि एक निर्देश चक्र में दो मशीन चक्र हैं, फेच चक्र मशीन चक्र एक और निष्पादन चक्र दूसरा मशीन चक्र। मशीन चक्र एक में चार टी स्टेट्स हैं और मशीन चक्र दो में तीन, तो इस निर्देश चक्र में कुल 7 स्टेट्स काम आती हैं। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एक निर्देश चक्र में एक से लेकर 5 तक मशीन चक्र हो सकते हैं, जिन्हें एक विशिष्ट क्रम में निष्पादित किया जाता है। इन निर्देशों के निष्पादन में लगने वाले समय को रेखा चित्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिन्हें टाइमिंग डायग्राम या समय आरेख कहते हैं। 8085 में मूलतः 5 प्रकार के मशीन चक्र होते हैं। मशीन चक्र माइक्रोप्रोसेसर द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में लगने वाले समय को बताते हैं। जैसे पहला है ऑपकोड फेच, यानी ऑपकोड को मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में लाना। ऑपकोड क्या होता है? ऑपकोड होता है ऑपरेशनल कोड, जो यह बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर को निर्देश में क्या करने के लिए कहा गया है। क्योंकि सभी प्रोग्राम्स मेमोरी में लिखे होते हैं तो उन्हें निष्पादित करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लाना पड़ता है। किसी भी निर्देश के दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड जो कार्य बताता है और ऑपरेंड जो यह बताता है कि कार्य किस पर करना है। तो माइक्रोप्रोसेसर का पहला मशीन चक्र होता है ऑपकोड फेच। फेच का मतलब होता है लाना, तो मेमोरी से ऑपकोड को माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लाना ऑपकोड फेच साइकिल में होता है। इसमें अधिकांश 40 स्टेट्स का समय लगता है, लेकिन कुछ निर्देशों में 6 टी स्टेट्स भी काम आते हैं। दूसरा मशीन चक्र है मेमोरी रीड, यानी मेमोरी से 8 बिट का डेटा माइक्रोप्रोसेसर में लेकर आना। ऑपकोड फेच भी एक तरह का मेमोरी रीड ही है, लेकिन इसमें निर्देश डीकोड भी होता है, जबकि मेमोरी रीड में केवल मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर तक डेटा ट्रांसफर होता है।
डीकोड का मतलब माइक्रोप्रोसेसर दिए गए निर्देश को समझता है कि उसे क्या करना है। इसमें 3 T-states का समय लगता है। तीसरा है मेमोरी राइट, मेमोरी में लिखना, यानी माइक्रोप्रोसेसर से डेटा मेमोरी में ट्रांसफ़र करना या सेव करना। इसमें भी 3 T-states लगती हैं। चौथा चक्र है इनपुट डिवाइस को रीड करना, यानी किसी भी इनपुट डिवाइस से डेटा लेकर एक्यूमुलेट या किसी और जनरल पर्पस रजिस्टर में कॉपी करना। इस कार्य में 3 T-states काम आती हैं। पांचवा मशीन चक्र है आउटपुट राइट, यानी एक्यूमुलेटर से डेटा लेकर आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना आउटपुट राइट कहलाता है। इसमें भी 3 T-states लगते हैं। इन 5 मशीन चक्रों में काम आने वाले स्टेटस और कंट्रोल सिग्नल्स और टी स्टेट्स इस टेबल में दर्शाई गई हैं। पहला है ऑपकोड फैच। ऑपकोड को मेमोरी से लाना होता है, तो यहाँ पर IOM बार की वैल्यू होगी 0, क्योंकि यह एक मेमोरी ऑपरेशन है। और M के ऊपर बार यह दर्शाता है कि M एक्टिव लो सिग्नल है। IOM बार यह बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट से ऑपरेट कर रहा है या फिर मेमोरी से। अगर इनपुट आउटपुट से करता है तो 1 होता है एक्टिव हाई, और अगर मेमोरी से करता है तो लो होता है एक्टिव लो। यानी जब 0 होता है तब मेमोरी ऑपरेशन होगा, तो IOM बार की वैल्यू होगी 0। ऑपकोड फेच के लिए S1 और S0 की वैल्यू 1 होती है। ये स्टेटस सिग्नल्स होते हैं जो दर्शाते हैं कि इस वक्त ऑपरेशन क्या हो रहा है, रीड राइट ऑपकोड फेच। इसमें 4 T-states लगती हैं, यानी ऑपकोड फेच ऑपरेशन में माइक्रोप्रोसेसर को 4 क्लॉक पीरियड का टाइम लगता है। क्योंकि ऑपकोड मेमोरी से रीड कर रहे हैं इसलिए रीड सिग्नल एक्टिव होता है। रीड पर बार यह बताता है कि वो 0 पर एक्टिव होगा, इसलिए रीड की वैल्यू 0 है। इसी तरह नेक्स्ट मशीन साइकिल मेमोरी रीड के लिए IOM बार की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वह एक मेमोरी ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन के लिए S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 होती है। इस मशीन चक्र को पूरा करने में 3 T-states का समय लगता है। रीड ऑप्शन है इसलिए कंट्रोल सिग्नल रीड एक्टिव लो यानी 0 होगा। मेमोरी राइट में मेमोरी में लिखने का काम होता है, इसलिए IOM बार की वैल्यू 0 होगी क्योंकि मेमोरी ऑपरेशन है। राइट में S1 0 और S0 1 होता है। इसमें भी 3 T-states लगती हैं, लेकिन कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर जो यूज़ आता है वो होता है राइट। तो राइट इनेबल करने के लिए राइट की वैल्यू 0 हो जाती है और रीड को 1 कर देते हैं। आयो रीड मशीन चक्र में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, इसलिए यह कंट्रोल सिग्नल एक्टिव हाई यानी 1 होगा, क्योंकि आयो के ऊपर बार नहीं है तो वह 1 पर इनेबल हो। रीड ऑपरेशन के लिए पहले भी बात कर चुके हैं हम, S1 की वैल्यू 1 होती है और S0 की वैल्यू 0। इसमें भी 3 states काम आती हैं और रीड ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल रीड लो होता है। आयो राइट भी आयो ऑपरेशन है, इसलिए कंट्रोल सिग्नल IOM बार 1 होगा एक्टिव हाई, और राइट के लिए S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1 होती है। इसमें 3 T-states लगते हैं और राइट ऑपरेशन के लिए राइट कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू होती है। ऑपकोड फैच मशीन साइकिल, यानी मेमोरी से ऑपकोड लाने का मशीन चक्र। फैच का मतलब होता है लाना। किसी भी निर्देश को निष्पादित करने का पहला चरण यही होता है। ऑपकोड यह बताता है कि निर्देश में क्या करने के लिए कहा गया है। तो निर्देश को निष्पादित करने के लिए सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि वह कार्य क्या करना चाहता है। तो यह जानने के लिए माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी में स्टोर किए गए निर्देश का ऑपकोड माइक्रोप्रोसेसर तक लाता है और निर्देश रजिस्टर को देता है। निर्देश रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर का वह रजिस्टर होता है जिसमें अगला निष्पादित होने वाला निर्देश रखा जाता है। इस चक्र के लिए कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, IOM बार 0 होगा क्योंकि यह एक मेमोरी ऑपरेशन है। S0 और S1 की वैल्यू 1 होती है। इस मशीन चक्र में 4 T-states काम में आती हैं। पहली 3 T-states में ऑपकोड मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर तक लाया जाता है और अंतिम टी स्टेट में उसे डीकोड करके निष्पादित किया जाता है। डीकोड मतलब माइक्रोप्रोसेसर उस निर्देश को
अपनी भाषा में डिकोड करके समझता है कि आखिर उसे करना क्या है। कुछ निर्देशों में 6 T states भी काम आते हैं। फर्स्ट टी स्टेट यानी T1 के दौरान क्या क्या होता है यह देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में लिखे हुए एड्रेस को एड्रेस बस पर रखा जाता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर माइक्रोप्रोसेसर में एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें अगला निष्पादित होने वाला निर्देश का मेमोरी एड्रेस होता है कि वो जो निर्देश है वो मेमोरी के कौन सी लोकेशन पे लिखा हुआ है। तो उस एड्रेस को सबसे पहले एड्रेस बस पे भेजा जाता है। ऑपकोड को लाने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को वो एड्रेस चाहिए, इसलिए उसके एड्रेस को एड्रेस बस पर भेज दिया जाता है। 8085 की 16 बिट एड्रेस बस दो भागों में विभाजित होती है, उच्च क्रम के 8 बिट A8 से A15 और निचले क्रम के 8 बिट A0 से A7। A0 से A7 डेटा बस D0 से D7 से मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब एड्रेस और डेटा दोनों के लिए सेम वायर यूज किया जाता है, दोनों एक ही लाइन पे जाते हैं। तो अभी जब हमें एड्रेस भेजना है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बस पर एड्रेस ही जाए, इस टी स्टेट में ALE सिग्नल को हाई यानी 1 रखा जाता है। ALE क्या होता है? ALE होता है एड्रेस लैच इनेबल, जो एड्रेस की लैच को इनेबल करके पहले टी स्टेट में एड्रेस बिट्स को बस पर भेजता है और बाद में ALE को लो करके यह लैच एड्रेस बस को बिट्स को तो स्टोर कर लेती है और वह बस डेटा बस की तरह काम आती है। इनेबल का मतलब होता है ऑन करना। तो जब ALE हाई होगा T1 टी स्टेट में तो वो बस एड्रेस बस की तरह काम आएगी और आगे की टी स्टेट्स में जब ALE लो हो जाएगा तो वह बस डेटा बस की तरह काम आएगी। फर्स्ट स्टेट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑपकोड कौन से एड्रेस पे लिखा हुआ है, इसलिए हमें पहले एड्रेस चाहिए होता है। तो फर्स्ट टी स्टेट में एड्रेस जाता है, बाद की टी स्टेट्स में डेटा जाता है। T2 स्टेट के दौरान क्या होता है? T1 में एड्रेस भेजा हमने, अब जब एड्रेस पहुंच गया है तो उसके बाद वो बस डेटा बस की तरह काम में आ रही है। एक बार मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए कि ऑपकोड कहाँ लिखा हुआ है तो अब उस ऑपकोड को लेकर आना है, तो हमें वो बस डेटा बस की तरह चाहिए। इसके लिए T2 में ALE को लो या डिसेबल कर देते हैं। अब बस पर आपका ऑपकोड आ सकता है तो डेटा मेमोरी से रीड कर पाए, इसके लिए रीड सिग्नल भी लो करना होता है। तो T2 स्टार्ट होते ही जो रीड सिग्नल है वो लो हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है। रीड सिग्नल के इनेबल होते ही माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से 1 byte का ऑपकोड, 1 byte मतलब 8 bit, 8 bit का ऑपकोड रीड करके डेटा बस पर भेज देता है। T3 टी स्टेट में डेटा बस से ऑपकोड लेकर 8085 के निर्देश रजिस्टर में भेज दिया जाता है और इस स्टेट के अंत तक रीड सिग्नल भी डिसेबल कर दिया जाता है क्योंकि रीडिंग का काम हो चुका। T4 टी स्टेट में ऑपकोड को डीकोड और एग्जीक्यूट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से ऑपकोड डिकोडर में भेजा जाता है। यहाँ माइक्रोप्रोसेसर ऑपकोड को अपनी भाषा यानी 0 और 1 बाइनरी में बदलकर समझता है कि उसे क्या कार्य करने के लिए कहा गया है और फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक की मदद से उस कार्य को करने के लिए आवश्यक कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रोप्रोसेसर में भेजता है। यह ऑपकोड फैच मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम द्वारा हम मशीन चक्रों में होने वाले कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ऐसा डायग्राम जो टाइमिंग बताए। माइक्रोप्रोसेसर को किसी भी काम को करने में जो टाइम लग रहा है वो हम यानी से समझ सकते हैं। माइक्रोप्रोसेसर में टाइम को टी स्टेट्स के रूप में नापा जाता है, इसीलिए यहाँ पर 4 कॉलम्स बना रखे हैं, T1, T2, T3 और T4, जो इसके टाइम को दर्शा रहे हैं और किस टाइम में ये क्या काम कर रहा है वो हमें अलग से समझ में आ जाता है, इसीलिए इसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखिएगा आप, क्लॉक सिग्नल है सबसे ऊपर। क्लॉक सिग्नल हम पहले भी देख चुके हैं कि क्लॉक सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, फॉलिंग एज से, गिरती हुई लाइन से।
तो पहले नेगेटिव साइकिल आएगी और फिर एक पॉजिटिव साइकिल। इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पर A15 से A8, यानी उच्च क्रम की आपकी एड्रेस बस पे आपका ऑपकोड का एड्रेस जाएगा जहाँ पर आपका ऑपकोड सेव है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऑपकोड मेमोरी की 2000 एड्रेस पर सेव है तो हायर बिट्स हुए आपके 20 और लोअर बिट्स हुए आपके 00। तो A8 से A15 पर जाएगा 20 20 और A0 टू A7 पे जाएगा आपका 00। आप देखिए यह लाइन T1 से T3 तक बनी हुई है। जो बॉक्स बना हुआ है हायर ऑर्डर एड्रेस का, वो T1 से T3 तक बना हुआ है, लेकिन T4 में उसमें अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एड्रेस खाली इन T1 से T3 तक, जब तक कि आपका डेटा आ नहीं जाता। T4 में डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन होता है, तब एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहाँ पर अनस्पेसिफाइड लिखा हुआ है। यहाँ पर दो लाइंस यूज़ की गई है, मतलब कि बॉक्स जैसा बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल वायर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एक बस की बात कर रहे हैं। बस में बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स के समूह को बस कहा जाता है। इसमें 8 वायर्स होते हैं जो एड्रेस के उच्च क्रम के 8 बिट्स को ले जा रहे हैं। उनमें से कुछ एक ले जा रहे होंगे और कुछ जीरो ले जा रहे होंगे। एक या जीरो मतलब हाई सिग्नल जा रहा होगा और कुछ पे लो सिग्नल जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि अभी जैसे 2000 पे सेव है, तो यहाँ पे हायर ऑर्डर बस में क्या जाएगा? 20। 20 का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको बाइनरी में देखें तो 2 होता है 0010 और 0 होता है 0000। यानी 8 में से 7 लाइंस पे आपका 0 जा रहा है और एक लाइन पे क्या जा रहा है? 1। तो इसीलिए हम दो लाइन से दिखाते हैं इनको, एक 1 पे होती है और एक 0 पे होती है। तो इसका मतलब है कि कुछ वायर्स में 1 जा रहा है और कुछ वायर्स में 0 जा रहा है। T1 के शुरू में एक क्रॉस दिख रहा है आपको, मतलब ये बॉक्स क्रॉस बना के फिर शुरू हो रहा है। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस चेंज ओवर होता है, मतलब इससे पहले जो भी मशीन साइकिल माइक्रो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट होगी उसमें हो सकता है कुछ और एड्रेस रहा हो, तो उसमें 1 और 0 चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर उस वक्त एड्रेस मान लीजिए 30 था, तो 6 लाइंस पे 0 जा रहा था और 2 लाइंस पे 1 जा रहा था। अब 20 है तो 7 लाइंस पे 0 है और एक लाइन पे 1 है। तो क्योंकि यहाँ पे लाइंस पे सिग्नल बदला है, तो वो क्रॉस से दर्शाया जाता है, चेंज ओवर होता है लाइंस का, इसका कि कुछ वैल्यू पहले कुछ और थी और अब कुछ और है, ठीक है? तो इस तरह से क्रॉसओवर दर्शाया जाता है। T1 से T3 तक फिर ये नहीं बदलता, क्योंकि फिर आपका एड्रेस सेम है। इसी तरह से अब इसके नीचे आपका एड्रेस बस है लोअर ऑर्डर वाला, AD7 से AD0। इनमें भी T1 के शुरू में चेंज ओवर बताया है, क्योंकि लास्ट जो भी वैल्यूज थी वो चेंज हुई होंगी। बस है इसलिए दो लाइंस, एक हाई पे 1 पे और एक लो पे 0 पे, इस तरह से दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर T1 में एड्रेस के निचले क्रम के 8 बिट्स जाते हैं और T2 और T3 में डेटा यानी ऑपकोड। इसलिए T1 के बाद फिर से चेंज ओवर हुआ है और T2 और T3 में सेम है, क्योंकि T2 और T3 में आपका ऑपकोड आया है जो चेंज नहीं होगा बार बार। T4 में इसमें डॉट्स हैं। डॉट्स क्या बताती है? हाई इम्पीडेंस स्टेट। क्योंकि इस रिकॉर्डिंग और एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो डेटा बस ट्राई स्टेट हो जाती है, यानी हाई इम्पीडेंस, उस पर कुछ भी आ या जा नहीं सकता, ना तो 1 ना तो 0। नेक्स्ट है ALE सिग्नल। ALE सिग्नल जैसे पहले भी बताया था, एड्रेस लैच इनेबल। यह सिग्नल निचले क्रम की एड्रेस बस और डेटा मल्टीप्लेक्स यानी अलग अलग करता है। तो फर्स्ट टी स्टेट में ये हाई रहता है ताकि उस बस को एड्रेस बस की तरह यूज लिया जा सके, और T2 और T3 में क्योंकि ऑपकोड आना है, ये डेटा बस की तरह काम आ रहा है, इसलिए ये लो हो जाता है। तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि किसी भी मशीन चक्र में खाली फर्स्ट टी स्टेट के लिए ALE हाई रहता है और बाकी हमेशा वह लो रहता है। इसके नीचे दिखा रखे हैं आपके स्टेटस सिग्नल्स। स्टेटस सिग्नल्स भी अकेले अकेले नहीं है, 3 सिग्नल्स हमने एक साथ बताए हैं, इसीलिए इसको भी बस की तरह, बॉक्स की तरह दो लाइन से दिखाया हुआ है, कुछ लाइंस 1 पे और कुछ लाइंस 0 पे।
तो T1 के स्टार्ट होने पर चेंज ओवर है, क्योंकि स्टेटस भी लास्ट मशीन साइकिल का और इस मशीन साइकिल का हो सकता है चेंज हुआ हो। तो तीन आपके स्टेटस सिग्नल्स इसमें बता रखे हैं, IOM बार, S1 और S0। ऑपकोड फेच के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, IOM बार की वैल्यू 0 होती है क्योंकि वह मशीन ऑपरेशन है, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1 होती है। लास्ट है आपका रीड सिग्नल, जो पूरे टाइम हाई है 1 पे, यानी डिसेबल्ड है। लेकिन T2 और T3 जब हम ऑपकोड को रीड है मेमोरी से, उस वक्त ये लो हो जाता है यानी एक्टिव, और ये 0 पे रहता है, क्योंकि T2 और T3 के दौरान ही मेमोरी से ऑपकोड पढ़ के डेटा बस पर रखा जाता है। इसलिए इस दौरान रीड सिग्नल लो रहता है क्योंकि रीड लो पर इनेबल होता है। तो इसके एक्टिव होने से माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से ऑपकोड को पढ़ पाता है। T3 के खत्म होते ही जब रीडिंग का काम हो गया है तो यह सिग्नल फिर से हाई यानी ऑपकोड फेच मशीन चक्र को हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। रजिस्टर एरे में सबसे नीचे प्रोग्राम काउंटर PC है, जिसमें अगला निष्पादित होने वाले निर्देश का पता होता है। वहां से 16 बिट का मेमोरी एड्रेस बस पर भेजा जाता है। उच्च क्रम के बिट्स A8 से A15 सीधे चले जाते हैं, जबकि निचले क्रम के बिट्स A0 से A7 डी लैच से जाते हैं। इस लैच को सक्रिय करने के लिए ALE सिग्नल यूज आता है और एड्रेस और डेटा बस को अलग अलग करता है। जब एड्रेस बिट्स जाने हैं तब ALE हाई होता है 1। यह 16 बिट्स मेमोरी में वह रजिस्टर बताते हैं जहां निष्पादित होने वाले निर्देश का ऑपकोड लिखा है। उस एड्रेस से ऑपकोड पढ़ने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक से एक्टिव लो मेमोरी रीड सिग्नल आता है और फिर ऑपकोड को डेटा बस पर भेज दिया जाता है। डेटा बस से ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है और फिर वहां से इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डीकोड होता है, और उसके अनुसार माइक्रोप्रोसेसर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल सारे ब्लॉक्स को भेजता है। इस डायग्राम में एरोज को फॉलो करके आप देख सकते हैं कि डेटा और एड्रेस किस तरह से जा रहे हैं। डेटा सॉलिड लाइन से बताया हुआ है और एड्रेस डॉटेड लाइन से। कुछ निर्देशों में ऑपकोड फेच मशीन चक्र में 6 T-states भी होते हैं, तो वहां पर T5 और T6 को माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट के इंटरनल ऑपरेशंस करने के लिए यूज करता है। तो मोस्टली जिन इंस्ट्रक्शंस में 6 T-states होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो 16 बिट पर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि DCX-H, PCHL, SPHL और INX-H। मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी से 8 बिट का डेटा माइक्रोप्रोसेसर तक लाने के लिए काम करने वाला मशीन चक्र। इसमें माइक्रोप्रोसेसर को 3 T-states का समय लगता है। इसके लिए कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स होते हैं IOM बार इक्वल टू 0, क्योंकि मेमोरी से रीड करना है तो मेमोरी ऑपरेशन के लिए एक्टिव लो होगा। रीड ऑपरेशन के लिए S00 और S11 होता है। मेमोरी रीड मशीन चक्र का टाइमिंग डायग्राम दिख रहा है हमें यहाँ पर। इसमें केवल 3 T-states बनाई जाती हैं, T1, T2 और T3। यह बिल्कुल ऑपकोड फेच मशीन चक्र के टाइमिंग डायग्राम जैसा है। केवल यहाँ पर T4 नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिकोडिंग नहीं होनी। और एक और अंतर है, वो है आपका स्टेटस सिग्नल्स में। ऑपकोड फेच के लिए S1 और S0 दोनों की वैल्यू 1 होती है, जबकि सिंपल मेमोरी रीड के लिए S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 होती है। मेमोरी रीड मशीन चक्र की वर्किंग इस चित्र से समझ सकते हैं। यह बिल्कुल ऑपकोड फेच की तरह ही है, केवल एक अंतर है कि मेमोरी से लिया डेटा ऑपकोड नहीं है, इसलिए डेटा बस से वह डेटा जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEHL या फिर एक्यूमुलेटर में जाकर सेव होता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कोई काम नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे MVI A32 यानी मूव इमीडिएट 8-bit नंबर इनटू एक्यूमुलेटर। निर्देश में दिए गए 8-bit के नंबर यानी 32 को एक्यूमुलेटर में कॉपी करना। यह निर्देश मेमोरी में 2000 एड्रेस पर लिखा है। यह 2 byte का निर्देश है। 1 byte MVI A का ऑपकोड यानी 3E और दूसरा byte 8-bit का नंबर 32।
तो इस निर्देश को निष्पादित करने के लिए सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर ऑपकोड फेच का मशीन चक्र निष्पादित करेगा। इसमें 2000 मेमोरी एड्रेस से 3E ऑपकोड माइक्रोप्रोसेसर तक लाया जाएगा। तो जो ऑपकोड फेच साइकिल है उसमें A8 से A15 यानी हायर ऑर्डर बस पर आपका 20 जाता है और A7 से A0 पर 00 जाता है। फिर T2 और T3 में डेटा बस की तरह काम में आता है, तब उसमें 3E ऑपकोड डेटा बस से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोडर में डिकोड है। इन सब में 4 टी स्टेट्स लगती हैं। फिर माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट के नंबर 32 को पढ़ने के लिए मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज़ करता है। इसमें 2001 एड्रेस से 32 डेटा बस के थ्रू एक्यूमुलेटर में लाया जाएगा। A8 से A15 पर हायर ऑर्डर एड्रेस यानी 20 आएगा और A7 टू A0 पर लोअर ऑर्डर एड्रेस यानी 01 आता है। और T2 और T3 के दौरान डेटा बस पर डेटा आता है आपका 32। इस चक्र में 3 टी स्टेट्स लगेंगी। यानी इस निर्देश को निष्पाद करने में माइक्रोप्रोसेसर को टोटल 2 मशीन चक्र, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड की आवश्यकता होती है और टोटल 7 टी स्टेट्स का टाइम लगता है। दोनों ही ऑपरेशंस में मेमोरी से डेटा रीड किया जा रहा है, इसलिए रीड सिग्नल एक्टिव लो रहता है। मेमोरी राइट मशीन साइकिल यानी मेमोरी में 8 बिट डेटा लिखने के लिए यूज आने वाला मशीन चक्र। इसमें भी 3 टी स्टेट्स काम आती हैं। सबसे पहले जिस एड्रेस पर लिखना है वह एड्रेस बस पर भेजा जाता है। मेमोरी राइट के लिए IOM bar 0, S10 और S01 होना चाहिए। जो 8 बिट डेटा मेमोरी में लिखना है वह डेटा बस पर भेजकर राइट सिग्नल लो कर दिया जाता है। यह टाइमिंग डायग्राम भी पहले 2 जैसा ही है। कुछ अंतर है, जैसे स्टेटस सिग्नल्स राइट के लिए S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1 हो जाते हैं। रीड सिग्नल इनेबल नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा सिग्नल इनेबल होगा? राइट। तो राइट सिग्नल इनेबल है T2 और T3 के टाइम पे, वो क्या रहता है? लो, ताकि मेमोरी में लिखा जा सके। इस डायग्राम में देखें, T1 स्टेट में प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस मेमोरी को भेजा जाता है ताकि उस रजिस्टर का पता लगाया जा सके जहां पर डेटा लिखना या सेव करना है। इस समय ALE हाई रहता है। फिर T2 और T3 के दौरान वह लो हो जाता है और किसी भी रजिस्टर ABCDEH या L से 8 बिट का डेटा बस पर भेजा जाता है। साथ ही राइट सिग्नल इनेबल होता है और यह डेटा बस से मेमोरी में लिख दिया जाता है। इस डायग्राम में डेटा फ्लो की डायरेक्शन लास्ट दोनों साइकिल से विपरीत है, क्योंकि यहाँ डेटा मेमोरी से आ नहीं रहा बल्कि मेमोरी में जा रहा है। आप एरोज को फॉलो कीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।